सिलेंडर की लेजम लीक होने से लगी आग, महिला के हाथ पैर झुलसे। सुबह 5 बजे की घटना, चूहे ने कार दी लेजम। शहर के देहा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले पुराने शिवपुरी में एक बुजुर्ग महिला आग में झुलस गई, जिसका जिला अस्पताल में इलाज कराया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार चेनू रजक पत्नी चिन्ना रजक उम्र 60 साल गुरुवार को सुबह 5 बजे अपने घर पर चाय बना रही थी और इसी दौरान लेजम लीक होने के कारण आग लग गई, जिससे महिला के हाथ पैर झुलस गए हैं। महिला ने बताया कि शायद ने लेजम को काट दिया था, जिसके कारण वह लीक हो गई और आग भड़क गई। आग लगने की जैसे ही खबर बेटे को लगी तो बेटा अंदर आया, उसने रेगुलेटर बंद किया, जिसके बाद महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर महिला को उपचार जारी है। क्या नाम है आपका? चेनू भाई। कहाँ की हो आप? पुरानी शिवपुरी। कौन सा मौजू? रजक। थाना कौन सा लगता है? थाना कौन सा लगता है? थाना काली माई का। तो ये आप कैसे कह चल रही? अब मैं कह रही हूँ ना कि वो क्या नाम से वो खाना बनाने उठी मैं 5 बजे, चाय बना रही थी मैं, तो चाय तो बन गई थी, फिर वो क्या नाम से वो सिलेंडर जल वो मैंने जलाया है, सुबह जाने चूहे ने खा ली, क्या खा लिया उसने, लेजम खा ली, सुबह मैंने जलाया सिर दमाग लगी, वो तो नहीं बोला, अब लेजम में से आग लगी एकदम, जो से आ गई लड़का आया सुबह इतना ही भग गया एकदम, फिर वो दोबारा घुसा, फिर उसने बंद करा रेगुलेटर, बंद करके ना फिर वो क्या नाम से मैं तो भगी, आग लगी ना जैसे मैं तरकत चली आई उठाएंगे यार पैर के मारे एकदम आए। आपके हाथ जल गए दोनों? हैं, हाथ जल गए आपके दोनों? क्या हाथ जल गए जी? हाँ जी, हाथ पैर पीठ में भी, वैसी रोटी की भाप होती है ना, ऐसा हुआ है। आपके पति का क्या नाम है? चिन्ना। कौन सा माजो? रजक हुआ। हाँ। कब की बात है जी? अभी की बात है, 5 बजे की बात। 5 बजे। हाँ। तो आग बुझ गई थी फिर? नहीं, फिर वो लड़के ने बुझा दी ना, रेगुलेटर बंद कर दिया, सो बुझ गई। कितनी उम्र होगी आपकी? उम्र 60 से ऊपर थी। 60 से ऊपर।